वेलकम बैक फ्रेंड्स, बॉडी बिल्डिंग की ताजा अपडेट्स लेकर फिर से आ गए हैं। तो बॉडी बिल्डिंग की ताजा मिलेंगी आपको सारी अपडेट और आप करते रहोगे मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट। जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो का वेट आप इसलिए करोगे क्योंकि वीडियो एकदम धांसू बन रही है और आप देखिएगा एंड तक। तो आज बात करते हैं कैलिफोर्निया स्टेट चैंपियनशिप की, जो अभी अभी जो है कंप्लीट हुई है, यानी कि कंक्लूड हुई है। और मैं इसके विनर आपको बता दूं तो टोनियो बर्टन है, जो कि मिडल में है। जी हाँ, टोनियो बर्टन, जिनकी थर्ड पोजीशन आई थी न्यूयॉर्क प्रो में, और अब इन्होंने देख लीजिए बाजी मार ली है, यहाँ पर फर्स्ट प्लेस है। और सेकंड आई है एमिर ओमेरजिक, जो कि इनके राइट में है। और फोर्थ प्लेस मिली है स्टुअर्ट सदरलैंड, जो कि बीफ सेतु के नाम से मशहूर है, और इनकी फोर्थ प्लेस आई। तो आप कहेंगे थर्ड कौन है, तो थर्ड जो है क्रिस्टन वॉल्स की है। जी हाँ, थर्ड क्रिस्टन वॉल्स की है। बट ये देख लीजिए, जो एमिर जो है नाइन्थ प्लेस थी न्यूयॉर्क प्रो में, और जो है जंप करके सेकेंड प्लेस में प्लेस पर आ गए कैलिफोर्निया स्टेट चैंपियनशिप में। और स्टुअर्ट सदरलैंड, जो कि इनके फोर्थ प्लेस थी न्यूयॉर्क प्रो में, थर्ड थी टोनियो बर्टन की और फोर्थ थी स्टुअर्ट सदरलैंड की, बट अब जो है इनकी फोर्थ प्लेस ही रह गई है, जबकि एमिर ओमेरजिक इनको पास कर गए हैं, जो कि नाइन्थ प्लेस थी इनकी न्यूयॉर्क प्रो में और थर्ड प्लेस थी टोनियो बर्टन की, यानी कि छह प्लेस का अंतर था और फर्स्ट और सेकंड बन गए हैं। तो थोड़ा स्कोर बोर्ड पे अगर नजर डाल ले तो टोनियो बर्टन फर्स्ट रहे हैं और एमिर ओमेरजिक जो है सेकंड रहे हैं, और आपके थर्ड रहे हैं क्रिस्टन वॉल्स की, जो कि पोलैंड के हैं, और फोर्थ है आपके स्टुअर्ट सदरलैंड, जो कि यूएसए के ही हैं, उनकी फोर्थ प्लेस है। तो ये देख लीजिए कितना मतलब क्लोज कंपटीशन हो जाता है, कि जो बंदा नाइन्थ था वो एकदम फर्स्ट से सेकंड हो जाता है, यानी कि सेकंड हो गया है वो टोनियो बर्टन के पीछे। और आप देख सकते हैं, तो इसी कंपटीशन से जो है टिम बर्टन, यानी कि अपने चोटी वाले भाई ने जो है पक्का कर लिया अपना मिस्टर ओलंपिया का कंपटीशन। और मैं आपको बता दूं, जो फिफ्थ प्लेस थी वो पाब्लो योपिस की थी, बट ये है टिम बर्टन जिनकी जो है एट्थ प्लेस आई है। अनफॉर्चुनेटली काफी बढ़िया बॉडी बिल्डर है, मासिव भी है, बट एट्थ प्लेस आई है क्योंकि साइज सिमेट्री का गेम है, तो इनकी एट्थ प्लेस हो गई है। तो इनको डिसअपॉइंट होने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अभी काफी चैंपियनशिप है, तो ये पक्का क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे, इसमें कोई दो शक नहीं है। लीजिए कितनी अच्छी इनकी थिकनेस है और मसल मास, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो सकता है। और ये देख लीजिए बीफ सेतु की बार बार मैं बात कर रहा हूं, बट इनकी जो है हेयर स्टाइल के ऊपर ही लोगों ने ज्यादा फोकस किया है, या इन्होंने फोकस किया है बजाय इनकी बॉडी के। तो अब देख सकते हैं हमारे जो है गंजे भाई पाब्लो योपिस जो है फिफ्थ आए हैं, जो आप देख सकते हैं इसमें स्पेन के हैं ये, और काफी अच्छी शार्प बॉडी इनकी भी है। बट ये देख लीजिए एकदम शाइन कर रही है टिम बर्टन की बॉडी, और अलग से ही थिकनेस दिख रही है, और ये वाले पोज फ्रंट डंबल बाइसेप्स की याद दिलाते हैं फिल हिट के। और बैक आप देख लीजिए कितनी शार्प है, आप इनके लेफ्ट में देखेंगे पाब्लो योपिस की, बट यहां पर इन्होंने मार ली एमिर ने बाजी, जो कि 25 ईयर ओल्ड है। मैंने पहले भी बताया इन एकदम जबरदस्त बॉडी और निखर के आ रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन लाइनअप काफी रहेगी इस साल में। बाकी एथलीट जो है काफी मेहनत कर ही रहे हैं, तो अपडेट आपको लगातार मिलते ही रहते हैं। अब इस वाले पोज में अगर आप देखेंगे तो लेट स्प्रेड पोज में भी जो है बाजी मार लिया टिम बर्टन ने, बट अगर आप देखें एमिर नए बॉडी बिल्डर हैं और अभी यंग है, तो वो अगर किसी को क्रॉस करके सेकंड प्लेस पर पहुंच जाता है तो ये बहुत ही स्पेन के लिए गर्व की बात है, और इनके लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि स्पेन का एक बॉडी बिल्डर जो कि यूएस में आके जो है बाजी मार जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। अब ये देख लीजिए कैलिफोर्निया स्टेट चैंपियनशिप कोई छोटा मोटा चैंपियनशिप नहीं है, इसमें तमाम बड़े बड़े जो है प्रोज आए हुए हैं, तो काफी कठिन होता है इवन लाइन अप करना ही। अगर इसमें आपको कॉल आउट में बुलाया जाता है फाइनल में, तो बहुत बड़ी बात है, और काफी इन्होंने देख लीजिए मसल को फ्लैक्स किया है, और फ्लैक्स करते करते ये देख लीजिए कंपटीशन में अगर आप देख सकते हैं, तो थाई का सेपरेशन जो है टिम बर्टन का आउटर थाइज देख लीजिए कितनी मैसिव लग रही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर साइज देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि आप देख सकते हैं साइड में अगर देखेंगे तो आमिर का बड़ा लग रहा है, बट अगर देख लेंगे प्रोपोर्शनेट, तो प्रोपोर्शनेट जो है टिम बर्टन लग रहे हैं, जो कि अपने चोटी वाले भाई। तो मुझे लग रहा है कि बीफ सेतु यानी कि सदरलैंड का जो है बालों के हेयर स्टाइल पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले लोग इनके बालों को ही देख रहे हैं, बट अगर आप बालों को ही बात छोड़ दे तो बॉडी की बात करेंगे तो टिम बर्टन की बेस्ट है, और एमिर ने काफी मेहनत की है। अब आगे सुन लेते हैं थोड़े गुरुजी की टिप्स, वो क्या टिप्स दे रहे। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए जितनी भी एक्सरसाइज डिजाइन करी गई है, खासतौर से बेसिक एक्सरसाइज, सभी एक्सरसाइज सेफ है, लेकिन सेफ होते हुए भी कई बार हम इनसे इंजर्ड हो जाते हैं, उसके रीजन है कई। एक्सरसाइज इसका रीजन नहीं है कि ये एक्सरसाइज आपको इंजर्ड करेगी,
मिलेगी, बिल्कुल नहीं। आपको उस एक्सरसाइज की नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन ये बड़ा रीजन है। आपको पता नहीं है ये एक्सरसाइज किस पोस्चर में करना है या कौन कौन सी मसल इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमारी यूज होती है। एक मेन मसल जिसके लिए आप करते हैं वो तो है ही, सेकेंडरी मसल भी होते हैं। कोई भी कंपाउंड मूवमेंट आप करते हैं एक से ज्यादा मसल आपके उस एक्सरसाइज को करने के लिए जोर लगाते हैं, सभी मसल को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो आप पूरी तरह से अगर अवेयर होंगे अपने पोस्चर से एक्सरसाइज के तो बिल्कुल इंजरी नहीं करेगा। दूसरा रीजन है प्रॉपर वार्म अप किए बिना अपने सेट पे चढ़ गया, बॉडी को आपने रेडी किया नहीं, वार्म अप किया नहीं, कोई डायनेमिक स्ट्रेचिंग नहीं, कुछ नहीं, आप सीधा गए और वेट उठाना शुरू कर दिया, एक दो सेट वार्म अप लगाया और वर्किंग साइड पे पहुंच गए, बॉडी रेडी है ही नहीं, ना मेंटली रेडी हो पाया, इंजरी होने के मैक्सिमम चांस है आपको ऐसी कंडीशन में। तीसरा रीजन है आपने वार्म अप भी कर लिया, चलो ठीक है अच्छी बात है, उसके बाद आप एक्सरसाइज करना शुरू किया तो सीधे फटाफट अपने वर्किंग साइड पे पहुंच गए बिना प्रॉपर वार्म अप सेट्स लिए। ये ऐसे ही है जैसे आप नॉक करके घर में घुसते हैं ना, तो जिसने आपको वेलकम करना वो अलर्ट हो जाता है और आपके अच्छे से वेलकम कर पाता है। यही है एक्सरसाइज में भी, वार्म अप सेट जो है ना वो एक तरह से बॉडी को नॉक करना होता है कि अब लोड डलने वाला है, तो प्रॉपर वार्म अप सेट ले अपने, धीरे धीरे ग्रेजुअली वेट को बढ़ा के अपने वर्किंग सेट पे जाएं, तो आपका मेंटली भी आप रेडी होंगे और फिजिकली भी, और आप ज्यादा अच्छे से एक्सरसाइज को कर पाएंगे और पंप भी ज्यादा आएगा आपको। लास्ट रीजन है एक मसल डिहाइड्रेट होना। आप पूरे दिन में पानी कम पीते हैं, खूब अपना वर्जिश भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइट भी लेते हैं, पानी पे केयर नहीं करते। पानी बहुत जरूरी, सबसे बड़ा न्यूट्रिशन पानी है आपकी बॉडी में। 70% जो आपके मसल्स है वाटर वेट है, वो प्रॉपर हाइड्रेट रहेंगे तो ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ भी रहेगी और इंजरी के चांस भी कम रहेंगे। तो ये आप जरूर इसका ध्यान रखना, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, खास तौर से एक्सरसाइज के टाइम तो बिल्कुल नहीं। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो कोई भी एक्सरसाइज आपके लिए डेंजरस नहीं है। अगर कोई बोलता है ये एक्सरसाइज मत करो इससे इंजरी होगी, बिल्कुल गलत है। एक्सरसाइज से इंजरी नहीं होती, आपके लैक ऑफ नॉलेज से इंजरी होती है। आपको उसका ज्ञान नहीं तब इंजरी होती है। थैंक यू। अभी फर्दर आप देख सकते हैं कि फिटनेस सेलिब्रिटीज की एक्सरसाइज बैक की, और आप इसको फॉलो कर सकते हैं 8-10 रेप्स अकॉर्डिंग टू योर वेट, और वेट आप बढ़ा सकते हैं। तो पूरा 1x1 देखिए, ये है लोअर बैक की। अभी आप सीटेड बार रोइंग देखेंगे, वन आर्म रोइंग, और जो है पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। तो थैंक यू। Yes. Yes. One. Good pace, just like that. Go, John. Dig. Come on, 5, come on, 6, come on, 7, come on.